हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना फेसबुक का कवर पेज बना सकते हैं, अपना यूट्यूब का कवर पेज बना सकते हैं, अपने थंबनेल बना सकते हैं, किसी डेस्कटॉप का कोई वॉलपेपर बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट साइज़ उसकी वही साइज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपको और हमें ऐसे याद नहीं है कि हम किस साइज़ का बनाएं कि वहाँ पर जाके बिल्कुल फिट हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस ऐप के बारे में बताऊंगा और उसमें कुछ आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और आप देखिए कि किस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, थंबनेल और इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, इन सब के वॉलपेपर और इन सब के थंबनेल और कवर पेज किस तरह बनाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और खूब उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम हमारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे लोगो मेकर। जैसे दोस्तों आप इस पर लोगो मेकर टाइप करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको 4.6 की रेटिंग का एक ऐप नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप इसके आइकन को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, इस पर एक एल लिखा हुआ है और येलो कलर का इसका आइकन है, इस पर प्लस का निशान है। इसको 500,000 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये आपको इस तरह से प्ले स्टोर में मिल जाता है तो ठीक है, और अगर ये ऐप आपको इस तरह से प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे यहीं से ओपन करते हैं। दोस्तों, जैसे आप इसको यहाँ से ऐप को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, कुछ आइकन्स आपको नज़र आएंगे, कुछ शेप्स यहाँ पर नज़र आएंगे। पहला है लोगो, दूसरा फेसबुक कवर, ट्विटर कवर, यूट्यूब कवर, यूट्यूब थंबनेल, गूगल प्लस कवर, लिंक्डइन कवर। दोस्तों, इस तरह से यहाँ आपको फेसबुक पोस्ट, फेसबुक इमेज, फेसबुक एड इमेज, थंबनेल, यहाँ आपको सभी तरह की वो आइकन्स, वो शेप मिल जाएंगे और उनके एग्जैक्ट साइज़ मिल जाएंगे जिस साइज़ में आप बना सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। फेसबुक कवर हम कहीं भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके साइज़ का एक मसला रहता है कि साइज़ आखिर हमें चाहिए क्या। चलिए मान लीजिए मुझे YouTube थंबनेल बनाना है तो उसका साइज़ क्या होता है थंबनेल का, और किस साइज़ में हमें थंबनेल बनाना होगा कि वो हमारे थंबनेल पे जाकर फिट हो जाए, एकदम एग्जैक्ट वही साइज़ रहे। तो Facebook कवर अगर हमें बनाना है दोस्तों तो उसका साइज़ क्या हो, YouTube कवर अगर हमें बनाना है तो उसका साइज़ क्या हो, और अगर गूगल प्लस कवर बनाना है तो उसका साइज़ क्या हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये शेप्स नज़र आ रहे हैं ये सेम एग्जैक्ट उसी साइज़ के हैं, यानी यहाँ से आप सीधे उसी साइज़ का बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक फेसबुक कवर पेज बनाकर आपको दिखाता हूँ कवर किस तरह से बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फेसबुक कवर पर। दोस्तों, जैसे आप फेसबुक कवर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपको जो ये ऊपर की तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर्स एक चेक्स बनी हुई है, ऊपर और नीचे जो चौकड़ियाँ बनी हुई हैं उसके बीच में जो आपको वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो हिस्सा नज़र आ रहा है दोस्तों, ये प्लेन वही हिस्सा है जिस पर जो हमारा फेसबुक कवर का साइज़ है। तो दोस्तों, चलिए हम इस पर कुछ बनाते हैं। तो आपको नीचे कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, एक गैलरी का आइकन है दोस्तों, दूसरे पे ए प्लस लिखा है यानी ये टेक्स्ट है, हम इससे टेक्स्ट कर सकते हैं। एक कैमरा है, यहाँ से हम एक फ़ोटो खींच के या तो इस पे लगा सकते हैं या हमारी गैलरी से ला सकते हैं। एक कलर की बाल्टी है दोस्तों, और एक सेव का बटन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेते हैं इस पे कवर पेज पे लगाने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं जो कैमरे का आइकन है उस पे क्लिक करूँगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रॉप एंड ऐड पिक्चर, और दूसरा ऐड पिक्चर। तो दोस्तों, ऐड पिक्चर पे जाकर मैं यहाँ अपने एक गैलरी से एक पिक अपना लाता हूँ और उसे यहाँ पर लगाता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना ये एक पिक लेके आया हूँ, इसको हम बड़ा कर एक साइड में लगा लेते हैं। तो देखिए, दोनों उंगलियाँ रख के हम इसको बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद एक इसके साइज़ का करके हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगा लेते हैं। दोस्तों, मैं ये जल्दबाजी में करूँगा इसलिए मैं इसे इतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा और आराम से करिएगा। चलिए, अब हम राइट पे क्लिक करेंगे, 1 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक राइट का निशान है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ हमें और ऑप्शन देता है, लेकिन हम दोबारा से राइट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको जो कलर की यहाँ बाल्टी नज़र आ रही दोस्तों, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये बाकी का वाइट हिस्सा है इसका
वैसे आप इसका कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए इतने सारे कलर आ गए हैं दोस्तों, आप किसी भी कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर आपको जो यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से दोस्तों आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, अगर वहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से एक कलर उठा सकते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये बेस में आप यह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, आप बेस में ये भी लगा सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। ये मैं आपको कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फेसबुक कवर पे आपको ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से यहाँ बहुत सारे हैं दोस्तों, ये देखिए आप इनके ऊपर भी कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझको ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको लगा लेता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट का निशान है हम उस पर दोबारा से क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये ए प्लस लिखा हुआ है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पर आके हम कुछ लिख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख लेता हूँ दोस्तों, दानिश आफरीदी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है दानिश आफरीदी, और अब मैं इसको वहाँ पर ले जाकर इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पर दानिश आफरीदी। अब ये देखिए यहाँ पर इसके कुछ फॉन्ट हैं दोस्तों जिनको हम बदल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम जो दानिश आफरीदी लिखा है उसका स्टाइल यहाँ से बदल सकते हैं, उसके फॉन्ट हम यहाँ से बदल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे दोस्तों, आप जो भी आप लिखें उसके फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर मुझे ये अच्छे लगते हैं, वैसे तो यहाँ बहुत सारे हैं, देखिए ये काफ़ी सारे हैं दोस्तों। मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ ऐसे के ऐसे ही रख लूँगा। कुछ हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम फिर इस राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप ये देखिए यहाँ पर अब हम हमारे फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब जो नीचे हमारे को जो लाइन नज़र आ रही थी जिसके ज़रिए हमने फॉन्ट का बेस जो हमने लिया था उसको चेंज किया था, सेम उसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो नाम है उसके यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जो कलर आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। और सेम उसी तरह से इसका बेस जैसे आपने चेंज किया था, ऐसे आप फॉन्ट में जो आपने दानिश आफरीदी या जो भी टेक्स्ट किया है उसका स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप उस पर भी यहाँ इस तरह से किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों मान लीजिए मुझे यहाँ पर यह पसंद आ रहा है और मैं इसको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ ताकि आपको सिखा सकूँ, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो मैं इसको कोई ख़ास इसमें कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए इस पर हम मुझे ये पसंद आया तो मैं इस पर राइट पर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों हम राइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे कुछ पूछेगा, हम दोबारा इस पर राइट पर क्लिक कर देंगे। और एक बार दोस्तों यहाँ पर राइट पर और क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इन सब राइट पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये अब ये हमारी इमेज बनकर तैयार है। मान लीजिए मेरा एक फेसबुक कवर है जिसका एग्जैक्ट साइज़ यही है। अब मैं इसको जाकर अपने फेसबुक पर सेट कर सकता हूं। तो दोस्तों इसके लिए मुझे इसको सेव करना होगा। तो दोस्तों यहां पे एक फ्लॉपी बनी है, आप देखिए कलर के आगे जो ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कीजिए। राइट हैंड पे है दोस्तों, ये देखिए सीधे हाथ की तरफ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं, सेव ड्राइव ड्राफ्ट। तो दोस्तों सेव ड्राफ्ट पे करेंगे तो यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों डाउनलोड जेपीजी, अगर आपको जेपीजी फाइल सेव करनी है तो यहाँ पर आके आप इसको जेपीजी वाइज फाइल यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको अगर जेपीजी नहीं पीएनजी फाइल सेव करनी है तो दोस्तों यहाँ जो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है पीएनजी वाला, आप उस पर क्लिक करके यहाँ से इसकी पीएनजी फाइल यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक फेसबुक कवर बनाया है, सेम उसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपको आगे और देखने को मिलेंगे जब आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एक लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब कवर पेज बना सकते हैं, या आप जो चाहें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिन्हें आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, टम्बलर के लिए बना सकते हैं, लिंक्डइन के लिए बना सकते हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप का वॉलपेपर यहाँ से बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके एग्जैक्ट साइज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी बनाएंगे यहाँ सेम उसी साइज़ का बनेगा। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए उस पर क्लिक कीजिए और मुझे फेसबुक पर ऐड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बना सकूं और अपलोड कर सकूं और आपको सिखा सकूं। चलिए दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।